Pooja Gehlot has recently qualified for the prestigious Commonwealth Games to be held at Birmingham. Pooja will compete at the freestyle wrestling competition in the 50 kg weight category of the international competitions. She has been an outstanding wrestler with numerous medals, which also include bronze medal that she won at the Senior National Wrestling Championships in 2021. Now she is expected to be an important part of the Indian contingent for contributing to the winsome actions at the Games. "I started wrestling after seeing Geeta Phogat and Babita Phogat," she told NNIS Sports. प्रैक्टिस अच्छी चल रही है और जो हमने ट्रायल्स में गलतियां हुई हमसे उस पे सुधार कर रहे हैं. कोचेज जो जिस बच्चे से जो गलती हो रही है उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किसी को जैसे डिफेंस कच्चा था तो उसको डिफेंस पे काम करवा रहे हैं, अटैक क्लियर नहीं हो रहे थे तो उसको अटैक पे काम करवा रहे हैं. तो कुल मिला के पूरा फोकस है कि कॉमनवेल्थ में सबके गोल्ड ही आएँ. भरंदाज मेरी ग्रिप अच्छी है तो उस पर मैंने बहुत काम किया है और मुझे पसंद भी है. ग्राउंड पोजीशन आते ही सीधा भरंदाज पे ही ऑटोमेटिकली मैं वहीं चली जाती हूँ और उसकी मैंने प्रैक्टिस भी बहुत की हुई है तो वो मेरा अच्छा हो गया. रेसलिंग सिर्फ पहले मैं वॉलीबॉल खेलती थी लेकिन मैंने 2010 में कॉमनवेल्थ देखे थे, इंडिया में हुए थे. तो उसके बाद मैंने 2014 में स्टार्ट किया था रेसलिंग कि गीता बबीता को देखा था मैंने तो उनको देख के ये लगा कि मुझे भी करनी चाहिए तो फिर मैं कुश्ती में आ गई. हाँ, कॉमनवेल्थ में अगर पूरी कोशिश रहेगी, अगर पीछे आऊँगी तो मैं सीधा भारंदाजी मारूँगी. कॉमनवेल्थ में गोल्ड ही जीतना है अभी, उसके लिए ही तैयारी कर रहे हैं. इतने इतने सालों से जो तैयारी है तो इसी के लिए है कि गोल्ड ही आए. चैंपियन तो चैंपियन होता है, सेकंड थर्ड तो बस ठीक है, मेडल तो आ जाते हैं लेकिन चैंपियन चैंपियन होता है. एक अपने अपने देश का जो राष्ट्रगान है वो बजता है तो अच्छा लगता है. एक्साइटेड तो हूँ लेकिन फिलहाल यही है कि कोई गलती ना होए अपना. जो नहीं, डर नहीं है लेकिन फिर भी कुछ भी है, जो भी कुछ कर रहे हैं अभी कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए तो अपना पूरा फोकस करके कर रहे हैं.